नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मॉडरेशन इन रिग्रेशन। तो सबसे पहले हम समझें कि मॉडरेशन का पर्पस क्या है। बेसिकली जो ये मॉडरेशन है, मॉडरेटर वेरिएबल, ये y और x मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है इसे इन्फ्लुएंस करता है ना। या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की रिलेशनशिप अगर वीक है तो मॉडरेटर की प्रेजेंस में ये स्ट्रोंग हो जाती है, या अगर स्ट्रोंग है तो मॉडरेटर की प्रेजेंस में ये वीक हो जाती है। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर पर डिस्कस किया था कि जो मॉडरेटर है वो हमारा दो तरीके के वेरिएबल हो सकते हैं मॉडरेटर का। एक तो मॉडरेटर हमारा नॉमिनल स्केल का हो सकता है, मतलब कैटेगरिकल हो, और दूसरा ये है हमारा कॉन्टिन्यूस या मॉडरेटर हमारा रेशियो या इंटरवल स्केल में हो। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टिन्यूस मॉडरेटर। ठीक है, कॉन्टिन्यूस जो हमारा मॉडरेटर है इसका मतलब है कि ये जो हमारा मॉडरेटर है ये मैट्रिक डेटा में है, और y और x दोनों ये वेरिएबल भी हमारे मैट्रिक डेटा में है। तो इसको कॉन्टिन्यूस जो मॉडरेटर है इसको समझने के लिए हम ये जो इक्वेशन है इसको समझेंगे। तो ये हमारा b0, ये b1 x1, ये x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मैट्रिक फॉर्म में है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी हमारा मैट्रिक फॉर्म में है। मॉडरेटर ये भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है और ये मैट्रिक फॉर्म में है मॉडरेटर। और फिर इसका इंटरेक्शन x इंटू m। ठीक, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्टिन्यूस मॉडरेटर है हम एक थ्योरी के थ्रू इसको समझेंगे। ये बैक्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन, ये थ्योरी कह रही है कि जो डिप्रेशन है वो डिपेंड है स्ट्रेस पर। कहने का मतलब है कि अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो डिप्रेशन में भी चेंज आता है, अगर हम स्ट्रेस को कम करते हैं तो डिप्रेशन में भी चेंज आता है। और ये दोनों के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन है ये हमें डेटा से एनालाइज करके पता चलेगा। ठीक है, और नेगेटिव कॉग्निशन जो है ये हमारा मॉडरेटर की तरह काम करता है। कहने का मतलब है कि जब तक हमने नेगेटिव कॉग्निशन जो मॉडरेटर वेरिएबल है इसको यूज नहीं किया था तो इनकी जो रिलेशनशिप है, मान लीजिए डिप्रेशन और स्ट्रेस की रिलेशनशिप नॉन सिग्निफिकेंट है, तो नेगेटिव कॉग्निशन जो कि मेडिएटर है इसको ऐड करने के बाद इनकी जो रिलेशनशिप है डिप्रेशन और स्ट्रेस की वो सिग्निफिकेंट आ सकती है, या उसकी स्ट्रेंथ को वीक या स्ट्रोंग कर सकती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास तीनों वेरिएबल है, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड नेगेटिव कॉग्निशन, तीनों के तीनों मैट्रिक हमारे वेरिएबल हैं, जिसमें डिप्रेशन भी हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो रेशियो या इंटरवल स्केल में है, स्ट्रेस भी रेशियो या इंटरवल स्केल में है, नेगेटिव कॉग्निशन को भी हमने इंटरवल या रेशियो स्केल में मेजर किया है। जो हमारा ओवरऑल मॉडल है मॉडरेशन इन रिग्रेशन में, वो ये मॉडल हमारा इस तरीके से बनता है। देखिए, y इक्वल टू स्ट्रेस प्लस नेगेटिव कॉग्निटिव और मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस एंड नेगेटिव कॉग्निशन। ठीक है, अब यहाँ हम एक चीज देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। वैसे तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको सॉल्व करने से पहले जो हमारे पॉसिबल जो पेयर बन रहे हैं उनको हम समझें कि डेटा अगर हम डिप्रेशन और स्ट्रेस को एक साथ लेते हैं तब ये डेटा क्या कह रहा है, और जब हम डिप्रेशन और ये नेगेटिव कॉग्निटिव को एक साथ लेते हैं, मतलब सेकंड इक्वेशन में हमने क्या लिया है, डिप्रेशन और नेगेटिव कॉग्निटिव, और थर्ड इक्वेशन में हमने लिया है ये आपका स्ट्रेस और नेगेटिव कॉग्निटिव। अब चौथा फाइनली हमारा क्या बनेगा, जब हम स्ट्रेस को नेगेटिव कॉग्निटिव को और स्ट्रेस इंटू
कॉग्निटिव को हम मल्टीप्लाई कर लें। तो अब जरा डेटा का हम समझ लें कि अगर केवल हम दो ही वेरिएबल ले रहे हैं डिप्रेशन और स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया था कि अभी हम केवल मॉडरेशन का यूज नहीं कर रहे, डिप्रेशन और स्ट्रेस में रिलेशनशिप देखना चाहते कि इनके बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है, ये सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है, और ये जो डेटा है हमें बता रहा है कि जो कोरिलेशन है डिप्रेशन और स्ट्रेस के बीच में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम देखेंगे। फिर सेकंड केस में हम डिप्रेशन को मेजर करेंगे नेगेटिव कॉग्निटिव के साथ कि नेगेटिव कॉग्निटिव का डिप्रेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर थर्ड केस में हम करेंगे स्ट्रेस और नेगेटिव दोनों को डिप्रेशन के साथ हम मेजर करेंगे कि इसके साथ रिलेशनशिप कैसी आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस है इसको समझेंगे, और हमारे पास कुछ केसेस हैं, और केस का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, और उसके थ्रू हम इस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारा डिप्रेशन है, स्ट्रेस और कॉग्निटिव, और तीनों के तीनों जो डेटा है हमारे ये स्केल में है, मतलब इंटरवेल या रेशियो स्केल में हमने डेटा को कलेक्ट किया। सबसे पहले इनके बीच में हम आपस में कोरिलेशन चेक करते हैं कि इनका तीनों वेरिएबल्स का जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हमने ये कोरिलेशन में पता चला हमें कि डिप्रेशन का जो रिलेशन है स्ट्रेस के साथ वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। कहने का मतलब है जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे डिप्रेशन भी बढ़ता है, और कॉग्निटिव और डिप्रेशन के साथ जो हमारा रिलेशन है वो भी पॉजिटिव है। यहाँ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉग्निटिव नेगेटिव कॉग्निटिव का मतलब जो है ये नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव परसेप्शन से है। जैसे जैसे हमारा नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव परसेप्शन बढ़ता है वैसे वैसे डिप्रेशन भी बढ़ता है, ये हमें जो डेटा मिला है उसके थ्रू हम कोरिलेशन देख सकते हैं, दोनों का पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है डिप्रेशन के साथ। अब इसी डेटा को अगर हम चाहें तो ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ग्राफ हमारा कैसे शो कर रहा है। तो स्कैटर डायग्राम में हमने ये ग्राफ सिंपल जो हमारा स्कैटर डायग्राम है वो लिया, और डिप्रेशन चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा हम वाई एक्सिस में लेते हैं, और जो स्ट्रेस है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा हम लोग ये इंडिपेंडेंट को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ओके किया। ओके करने के बाद जो हमारे पास ग्राफ आया वो ग्राफ देखिए इस तरीके का आया। जब हमने इसको डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास जो स्ट्रेस और डिप्रेशन का ग्राफ है वो इस तरीके से आया है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है, देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10 वैसे वैसे डिप्रेशन लेवल भी हमारा बढ़ता चला जाता है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरीके से हम स्ट्रेस और जो नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव कॉग्निटिव है उसके साथ हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव तो पता चल गया था हमको, पॉजिटिव है। अब इसको हमने जब ओके किया, ओके करने के बाद जो ग्राफ आ रहा है हमारा वो इस तरीके से हमारा ग्राफ आया। ये भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ हमें डेटा के बारे में बता रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो कॉग्निटिव नेगेटिव फीलिंग बढ़ रही है वैसे वैसे डिप्रेशन लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो डेटा को समझने के लिए हमने ग्राफ और जो कोरिलेशन था वो हमने फाइंड किया। अब दोस्तों सबसे पहले हम जो है ये मैंने बताया था कि हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे और उसमें रिजल्ट देखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं या नहीं। तो हमने क्या किया है, रिग्रेशन और ये लीनियर में हमने डिप्रेशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्ट्रेस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इससे हमें जो पता चला है वो ये पता चला है कि दोनों के बीच में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारी क्या कहते हैं जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट एनोवा हमारा सिग्निफिकेंट है। ठीक है,
और ये हमें कैसे पता चलता है, जो हमारा सिग्निफिकेंट जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम है, तो इसका मतलब है कि जो डिप्रेशन को स्ट्रेस इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और सिग्निफिकेंटली ये हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये हमारा जो है रिग्रेशन कोफिशियंट या कोरिलेशन कह सकते हैं अनस्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो कोरिलेशन आया है रिग्रेशन कोफिशियंट B1 वो है 0.546, ये स्ट्रेंथ इसका बता दिया है, ठीक है। और अगर हम इसको यूज करेंगे इंडिपेंड जो इंटरेक्शन के थ्रू, तो ये जो स्ट्रेंथ है इसकी ये वीक भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है मीडिएटर के बाद। अब दूसरा केस भी हमारा उसी तरीके से है, दूसरे केस में हमने बताया कि हम सिंपल ये जो है डिप्रेशन को मेजर करेंगे हम लोग नेगेटिव कोगनिटिव के साथ, नेगेटिव कोगनिशन के साथ जब हम मेजर करते हैं तो ये एनालाइज हमने किया और रिग्रेशन लीनियर हमने यूज किया और स्ट्रेस की जगह अब हम कोगनिटिव यूज कर रहे हैं और हमारे जो रिजल्ट हैं वो इस तरह से आ गए हैं। रिजल्ट हमारे कह रहे हैं एनोवा सिग्निफिकेंट है और ये जो पी वैल्यू है अगेन सिग्निफिकेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव कोगनिशन है वो डिप्रेशन लेवल को इन अफेक्ट करता है और उसको बढ़ाता है। फिर अब हम ये मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस लेंगे थर्ड इक्वेशन में, और थर्ड इक्वेशन में हमने जब इसको लिया मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में, मतलब दोनों वेरिएबल को हमने साथ लिया, एक बार स्ट्रेस को, दोनों को हमने ये साथ लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ओके करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आया ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है एनोवा टेबल से। अब कहाँ कहाँ रहा है, लेकिन कॉग्निटिव जो हमारा मॉडरेटर वेरिएबल था इसकी वजह से ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है ना, इसकी उपस्थिति में। लेकिन हमें क्या करना है, जो बाकी जो फोर्थ हमारी कंडीशन है जो मॉडरेशन की है, हमें ये इंट्रैक्शन जो है, इंट्रैक्शन टर्म, बेसिकली इंट्रैक्शन टर्म हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रैक्शन टर्म है स्ट्रेस एंड कोगनिटिव, इसकी वजह से डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, ये हमारा पर्पज है जानने का, ठीक है। अब हम फाइनली जो है मॉडरेशन इन रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास जो डेटा है, हालांकि ये चूंकि एक ही यूनिट में है, लेकिन हम फिर भी हमें क्या करना चाहिए कि इस डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव और तीनों वेरिएबल को हमने वेरिएबल लिस्ट इसको हमने ट्रांसफर किया, सेव स्टैंडर्ड स्कोर और ये ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद हमारे पास तीन नए कॉलम क्रिएट होकर आ गए, स्टैंडर्ड स्कोर ऑफ डिप्रेशन, स्टैंडर्ड स्कोर ऑफ स्ट्रेस, स्टैंडर्ड स्कोर ऑफ कॉग्निटिव। अब हमें क्या करना है, इंट्रैक्शन भी हमें चाहिए, तो हमने कंप्यूट वेरिएबल में जाके यहाँ पर इंटरैक्शन हमने यहाँ पर किया इंट्रैक्शन, और ये जो है स्ट्रेस को हमने ट्रांसफर किया न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बॉक्स में, और कॉग्निटिव को इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से एक अलग से हमारे पास कॉलम क्रिएट होकर आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों ये कॉलम हमारे पास और आ गया, क्योंकि हमें स्ट्रेस की जरूरत है, पहले वाले मॉडल में हम दोनों लेंगे और तीसरे वाले में सेकंड मॉडल में हम ये इंट्रैक्शन टर्म लेंगे। अब हम परफॉर्म करते हैं मॉडरेशन को, ठीक है, एसपीएसएस में एनालाइज और ये रिग्रेशन लीनियर, लीनियर में हमने क्या किया है, डिप्रेशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ब्लॉक वन में हमने दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो एक है तो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा यहाँ पर मॉडरेटर भी है, और इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक टू में हमने इंट्रैक्शन लिया और इसको हमने ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद ये डिस्क्रिप्टिव को और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को लेके हमने इसको कंटिन्यू किया, और फाइनली हमने ओके करने के बाद जो हमारे पास आउटकम आ रहा है, जो रिजल्ट्स आ रहा है, अब उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। देखिए मॉडल समरी जो है ये कह रही है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन तो है,
और इसका जो आर स्क्वायर है वेरिएंस है वो 57.4% है। जब हमने इंटरेक्शन टर्म लेके दूसरे मॉडल को चेक किया तब हमारा आर कोरिलेशन बढ़ गया है और जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हमारा जो पहले 57.4 था अब वो 65.1 बढ़ गया, मतलब फायदा हो रहा है मॉडरेटर का। अब ये देखिए पहले वाले में भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है, दूसरे वाले में भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है। हमें असली जो टेबल है हमारी वो है ये वाली कोफिशियंट वाली, इसको इंटरप्रेट करना है। ये हमारा रॉ स्कोर है। अगर हमें मान लीजिए इक्वेशन में ये शो करना पड़े तो ये देखिए कांस्टेंट है, हमें ये अनस्टैंडर्ड जो कोफिशियंट है इसी को हम इन वेरिएबल्स को ही इनको ही हम शो करेंगे। तो ये देखिए -0.194 ये हमारा जो है यहाँ पर ये वाला है माइनस, यहाँ पर हम लिख देंगे -0.194 और B1 जो है हमारा 0.85 यहाँ पर लिख देंगे 0.185 into stress plus B2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, B2 की वैल्यू है 0.743 और जो B3 की वैल्यू है हमारी, B3 की वैल्यू इंटरेक्शन टर्म का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है 0.322। ये तो हमारा जो मॉडल को शो करने का तरीका है, जो फाइनल मॉडल हमारा बना। अब ये मॉडल कह क्या रहा है वो हम देखेंगे पी वैल्यू के थ्रू। पहले मॉडल में जो है हमारा स्ट्रेस नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा था और दूसरे मॉडल में जब हमने इंटरेक्शन टर्म को ऐड किया तो हमारा जो पहले अभी स्ट्रेस नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा था वो सिग्निफिकेंट आ गया। कहने का मतलब है कि जो इनकी जो रिलेशनशिप अभी मॉडरेशन से पहले इनसिग्निफिकेंट आ रही थी, मॉडरेटर या इंटरेक्शन टर्म के बाद दोनों की रिलेशनशिप हमारी जो है ये सिग्निफिकेंट आ गई। और मॉडरेशन में भी हमने कहा है कि मॉडरेटर वेरिएबल क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। इनकी डायरेक्शन को इसने इन्फ्लुएंस कर दिया, चेंज कर दिया। जो अभी हमारा इस डायरेक्शन में नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा था इंटरेक्शन टर्म के बाद देखिए ये हमारा सिग्निफिकेंट आ गया और जो ये हमारा इंटरेक्शन टर्म है ये भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और ये लोअर बाउंड अपर बाउंड के बारे में तो हम जानते ही हैं कि अगर जैसे दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो ये सिग्निफिकेंट होता है। जीरो इसमें इंक्लूड अगर हो गई तो समझ लीजिए नॉन सिग्निफिकेंट है और इसका पर्पज कोई हमारा ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि हमें तो मेन जो है पी वैल्यू के थ्रू ही जांचना है कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है या नहीं, क्या मॉडरेटर ने जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया या नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इसने चेंज कर दिया। थैंक यू वेरी मच।